सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे पिछले वीडियोस में आपने देखा केंद्रीय विद्यालय एडमिशन का पंजीकरण कैसे करना है, पंजीकरण के बाद फॉर्म कैसे भरना है और भी बहुत सी जानकारी दोस्तों हमने वीडियोस के माध्यम से आप सभी लोगों को दी है। तो दोस्तों, कोई पर्टिकुलर वीडियो ऐसा नहीं था जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया हो, केंद्रीय विद्यालय का जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों, कुछ आपने कमेंट्स में लिखा भी था फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेशली आप सभी लोगों के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में ही मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं जो नॉर्मल जो फ़ीस होती है केंद्रीय विद्यालय में सभी के लिए, जो नॉर्मल फ़ीस है यानी कि जिनको फ़ीस माफ़ नहीं होती उनके सिवाय जो फ़ीस है, सबसे पहले एडमिशन फ़ीस होती है 25 रुपये, री एडमिशन फ़ीस होती है 100 रुपये, ट्यूशन फ़ीस जो आती है उसके बाद कक्षा 9 और 10 के लड़कों के लिए 200 रुपये, कक्षा 11 और 12 कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में लड़कों के लिए 300 रुपये, कक्षा 11 और 12 जो नॉर्मल होते हैं कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को छोड़ के उनके 400, उसके बाद कंप्यूटर फंड में कक्षा 3 से कंप्यूटर शिक्षा शामिल होती है तो 100 रुपये कंप्यूटर फंड में आपका लगता है फ़ीस, और कंप्यूटर साइंस फ़ीस जो होती है प्लस इसमें जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं 2, उनकी फ़ीस है ये 150 रुपये, और विद्यालय विकास निधि कक्षा 1 से 12 तक 500 रुपये, ये आपकी पर मंथ की फ़ीस है, यानी कि जो आपकी टोटल जो फ़ीस हो जाती है। इन सभी में से आपको देख लेना है कौन कौन सी कक्षा की एडमिशन फ़ीस, री एडमिशन फ़ीस आप देख सकते हैं, और विद्यालय विकास निधि और कंप्यूटर फंड का आपका मंथली आपका जाएगा। तो ये आपकी फ़ीस आप लगा सकते हैं, और ट्यूशन फ़ीस आपका, ये 3 चीज़ें आपकी हो जाती हैं जो आपकी इसमें आ जाती हैं। तो ये आपकी नॉर्मल फ़ीस होती है, और अब मैं आपको जो छूट होती है उसका, ये आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो आपका ट्यूशन फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस कैटेगरी वाइज है, और जो विद्यालय विकास निधि यानी VVN और कंप्यूटर फंड की जो फ़ीस है वो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी यहाँ दी गई है जो सभी जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं क्लास 1 से और क्लास 12वीं तक, ट्यूशन फ़ीस उनकी माफ़ कर रखी है यहाँ आप देख सकते हैं। कंप्यूटर फंड में उनको कोई छूट नहीं दी गई है, कंप्यूटर फंड उनको देना पड़ेगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं विद्यालय विकास निधि में भी कोई छूट नहीं दी गई है। इसी तरह SC ST स्टूडेंट का आप देख सकते हैं ट्यूशन फ़ीस माफ़ है सभी के लिए, और कंप्यूटर फंड किसी के लिए माफ़ नहीं है। इसी तरह आप देख सकते हैं VVN यानी विद्यालय विकास निधि में भी कोई छूट नहीं है। इसी तरह जो चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉयज़ यानी जो कर्मचारी होते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के, उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी ट्यूशन फ़ीस में छूट दी गई है। कंप्यूटर फंड में कोई छूट नहीं है, और विद्यालय विकास निधि में भी कोई छूट नहीं है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं चिल्ड्रन ऑफ ऑफिसर्स एंड मैन ऑफ आर्म फोर्सेज एंड पैरामिलिट्रीज, तो जो आर्म फोर्सेज के और जो ऑफिसर के बच्चे जो हैं, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं लड़ाई में जो शहीद हुए हैं, और यहाँ स्पेशली यहाँ कोट भी किया गया है ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन विजय इन कारगिल, इसका यहाँ कोट किया गया है, और साथ ही बताया गया है जो कि शहीद हुए हैं उनके बच्चों को ट्यूशन फ़ीस में छूट दी गई है, कंप्यूटर फंड में छूट नहीं दी गई है, और विद्यालय विकास निधि में फिर छूट दी गई है। इसी तरह इसमें आप नीचे आएंगे तो सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है जो ट्यूशन फ़ीस और विद्यालय विकास निधि जो कि माफ़ कर दी गई है, जो की जाएगी जिनकी चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेज एंड पैरामिलिट्रीज की, तो उन सभी किनको ये सारी चीज़ें माफ़ होंगी, जैसे कि जो ट्यूशन फ़ीस, कंप्यूटर फंड और विद्यालय विकास निधि, जो इन तीनों चीज़ें जिनके लिए माफ़ की जाएंगी वो, जैसे कि जो सैनिक जो कि शहीद हो गए हैं या लापता हो गए हैं, जो मारे गए हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर जो कि शहीद हो गए हैं, तो उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट द्वारा, तो उन अगर वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं तो उनको छूट में, इनको फ़ीस में छूट दी जाएगी ट्यूशन फ़ीस, कंप्यूटर फंड और विद्यालय विकास निधि में। अब दोस्तों, इसी तरह इसमें नीचे आता है चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट हु आर लिविंग लोक
पॉवर्टी लाइन, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं जिनके बच्चे बीपीएल कार्ड धारक, उनको भी छूट दी गई है ट्यूशन फीस में। कंप्यूटर फंड में किसी के लिए फिर छूट नहीं है इसमें, और फिर विद्यालय विकास निधि में भी छूट दी गई है। इसी तरह जो डिसेबल जो स्टूडेंट हैं, जो कि दिव्यांग जो बच्चे हैं, उनको ट्यूशन फीस में माफ़ किया गया है ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड नहीं माफ़ किया गया है, फिर विद्यालय विकास निधि माफ़ की गई है। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर एक नीचे इसमें दो एक कैटेगरी और है, ऑल गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 से 12th का, जो कि अपने जो माता पिता की केवल एक संतान है, जो लड़कियां हैं उनको सारी चीज़ें जो है फीस में छूट दी गई है, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और विद्यालय विकास निधि में। अब इसी तरह दोस्तों जो इमरजेंसी में जो फीस माफ़ की जाती है बच्चों की, तो उनको छूट दी जाएगी विद्यालय विकास निधि में एक एकेडमिक सेशन के लिए, यानी कि एक वर्ष की उनको छूट दी जा सकती है विद्यालय विकास निधि में। तो दोस्तों ये आपका फीस स्ट्रक्चर है केंद्रीय विद्यालय का, और ये पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये फीस स्ट्रक्चर का जो कॉलम होता है केंद्रीय विद्यालय का, उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ से ये आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आएंगे, एकेडमिक्स में आएंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको फ़ीस स्ट्रक्चर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया ये नॉर्मल फीसें हैं, जो नॉर्मल जो फीस है ये उसका है। उसके बाद यहाँ कैटेगरी वाइज जो छूटें जो मिलती हैं ट्यूशन फीस, वीवीएन और कंप्यूटर फंड में, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इस पीडीएफ पे पहुँच जाएंगे। इसका मैं डायरेक्ट लिंक आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल करा दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी इस तरह से जो फीस है, एडमिशन फीस और फीस स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं। और क्लास एक में अगर आप एडमिशन करवाते हैं बच्चे का, तो आपकी जो फीस होगी 500 रुपये फीस होगी, और प्लस उसमें आपकी एडमिशन फ़ीस होगी 2500 रुपये पहले महीने में। उसके बाद आपके आई थिंक जो आपकी फ़ीस रहेगी 500 ही रहेगी, क्योंकि आपकी जो कंप्यूटर जो फंड होता है वो कक्षा 3 से शुरू होता है, तो इसलिए आपकी जो यहाँ विद्यालय विकास निधि की जो जाएगी फ़ीस 500 रुपये जाएगी। और ट्यूशन फीस तो यहाँ दी नहीं गई है कक्षा 1 से 1 के बच्चों के लिए, तो इसलिए आपकी जो कक्षा 1 की जो फ़ीस जाएगी 500 रुपये जाएगी इनके हिसाब से, या इस पीडीएफ के हिसाब से, या जो केंद्रीय विद्यालय का जो ये स्ट्रक्चर है फीस स्ट्रक्चर, इसके हिसाब से विद्यालय विकास निधि क्लास 1 से 12th तक, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपका ये फीस स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन .nic.in academic/fees-structure, ये वेबसाइट है इस पे, और ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। तो दोस्तों फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो, आपकी कोई भी समस्या हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।